हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैंने आज साड़ी पहनी हुई है और ये व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है। और जिस जगह पे मैं अभी हूँ वो जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे चल रही है पूजा महामृत्युंजय मंत्र की, जो शंकर जी की पूजा होती है। सावन चल रहा है और ये पूजा चल रही है, तो कल के दिन में रुद्राभिषेक हुआ है और आज अभी उस पूजा की पूर्णाहुति है। तो अभी हवन चल रहा है तो मैं आपको ले चलती हूँ हवन दिखाने के लिए। उसके पहले आप ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू है। ये घर है और ये गार्डन है, जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ वो घर का गार्डन है। और ये पीछे पूरा ये खूबसूरत सा व्यू है और हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं। और ये देखिए पूरा नीचे, ये नीचे भी पूरा बगीचा है। यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है और ये काफ़ी ऊंचाई पे है। ये देखिए पूरी हरियाली, ये बड़ा सा पौधा और ये है पूरा गार्डन। इसको ऐसे डिवाइड किया गया है और ये ऊपर छत है। और बगीचा है। और अब मैं आप लोगों को पूजा दिखाती हूँ। हवन हो रहा है, मेरे दीदी जीजाजी हैं। और ये अभी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। बगीचा है यहाँ पे, ये महामृत्युंजय की पूजा बैठी हुई है। यहाँ पे 5 दिन से पूजा हो रही है। ये पूरा ऐसी वेदी तैयार की गई है। है ये जिम एरिया है। से हाय, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है और इसने 10th में अपना पूरा स्कूल टॉप किया था। और इस साल इसका है 12th। इस साल भी ये पूरी तरह से टॉप करने के चक्कर में पड़ी हुई है ना। और मैं हूँ इस वक्त गेस्ट रूम में। अब मैं जा रही हूँ जहाँ पे पूजा हो रही है। तो फ्रेंड्स, भीड़ में व्लॉग करना, मतलब भीड़ में वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा एक मतलब बहुत ही टफ टास्क होता है, बट कोशिश पूरी है। कहना चाहेंगी आज के दिन के बारे में, इस पूजा के बारे में, बताइए बताइए। पूजा का बहुत महत्व है, बहुत बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं होता है। भोलेनाथ का पूजा है, आप लोग मस्ती कीजिए। हाँ, तो ये बहुत बड़ी पूजा होती है भोलेनाथ की और सावन चल रहा है। और हम यहाँ पे आए तो हम सोचे कि एक वीडियो बना लेते हैं आप सभी लोग के लिए। गरिमा से हाय। ये मेरी मम्मी हैं और सब लोग अभी काम में बिजी हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है सिवाय मेरे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो भी सब कोई काम में बिजी है और मैं शूट कर रही हूँ वीडियो। ये प्रसाद की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सबके लिए प्रसाद लगाया जा रहा है और ये वाला जो प्रसाद है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रसाद होता है आज के दिन के लिए। ये ज़रूरी होता है आज की पूजा में। और इसके नीचे दिखाइए दीदी, इसके नीचे क्या है? और ये जो इसके नीचे जो है ये एक ये पंजीरी, ये आटे की पंजीरी है जो कि मेन प्रसाद होता है। और यहाँ पे ठेकुआ, उसको ठेकुआ कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। और ये है बुनिया और हम लगा रहे हैं प्रसाद। और ये हैं पंडित जी लोग। पंडित जी लोग किसी तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि उधर हवन हो रहा है और हवन के बाद फिर बड़ी आरती होगी। और मैं आपको यहाँ से खिड़की से व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ये बहुत ही ऊँचाई पर है।
ये इसको आप यहाँ मिलाते समझते और वहाँ पे हवन चल रहा है, मैं इधर हूँ, वहाँ पे हवन चल रहा है, अभी मैं जाऊँगी वहाँ पे थोड़ी देर में, मुझे अभी प्रसाद लगाना है। और ये भी मेरा बेटा है, आ जाओ आ जाओ, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो, क्या कर रही हो? अभी बहुत काम है, अभी जा रहे हैं प्रसाद बांधने। प्रसाद बांधते काम करती हो? हाँ। जा अच्छा प्रसाद लगाओ। ओके। देखो ये प्रसाद लगाने जा रही थी और वो उधर जा रही है। वे लोग प्रसाद लगाएंगी। अरे ये पूरा, एक्चुअली मेरी दीदी को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरी मम्मी भी काम में लगी हुई है और हर कोई यहाँ काम में लगा हुआ है सिवाय मेरे। ये मेरी मम्मी है जो मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। मैं ये जो एरिया है जहाँ ये ओम लिखा हुआ है ये स्पेशली मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। नीचे अभी पूजा की सारी चीज़ें फैली हुई हैं और ये एरिया मेडिटेशन के लिए है। और मैं आपको यहाँ का हाउस टूर दूंगी बहुत जल्द। ये यहाँ का जिम है, ये एक्चुअली जिम है बट यहाँ पे पूजा का तैयारी किया गया है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और बहुत ज़्यादा चाहिए था, पूरे बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है इस पूजा के लिए। और इसी से लगा हुआ है ये एक गेस्ट रूम है जिसमें पंडित जी लोग की पूरी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे प्रसाद लगाया जा रहा है, प्रसाद को पैकेट्स में डाला जा रहा है जितने भी लोग आए हैं पूजा में उन सबको देने के लिए। और ये जो ठेकुआ है इसको ऐसे छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया जाता है प्रसाद में देने के लिए क्योंकि ये मेन प्रसाद होता है, रोट है, रोट कहते हैं इसको, रोट आटे में प्रसिद्ध। और कुछ ये बहुत टेस्टी होता है। हाँ और कुछ चाहिए? इसको बनाने बहुत मेहनत लगती है। हाँ और ये सारा प्रसाद, ये सारा प्रसाद इस बानी ने बनाया है, सारा प्रसाद इसने बनाया है इतना मेहनत करके। और इसको बनाने के लिए इसमें आटा घी और गुड़, आटा घी गुड़ यही पड़ता है ना, इसमें आटा घी और गुड़ डाला जाता है और ये इसमें मिला दिया जाएगा और पैकेट्स भरे जाएंगे। तो फाइनली मैं भी बैठ गई हूँ सबके साथ प्रसाद भरने के लिए, थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए इसलिए प्रसाद भरने के लिए मैं भी बैठ गई। हर कोई और ये है मेरा बेटा, मतलब ये जो मेरी दीदी है ये इनका लड़का है। पहला पैकेट ये मेरा पैक हो चुका है और हम लोग सब बैठ के प्रसाद भर रहे हैं। वैसे ये लोग बहुत पहले से भर रही है और हम अभी इन लोगों को ज्वाइन किए हैं क्योंकि हम बिजी थे अपना वीडियो शूट करने में, तो फाइनली मैंने ये लोगों को ज्वाइन कर लिया क्योंकि आगे मुझसे को ये ना कहे कि काम नहीं किया मैंने कुछ। दैट्स व्हाई बोल जाए।
तो फ्रेंड्स पूजा ख़त्म हो चुकी है और पूजा ख़त्म होने के बाद हम सब खाना खा लिए, हम सब ने खाना खाया और फिर हम सो गए थे, थोड़ी सी थकान वकान हो गई थी। तो फिर अभी मैं उठी हूँ जस्ट, और उठने के बाद मुझे याद आया, मुझे ध्यान आया कि मुझे अपना व्लॉग भी कंप्लीट करना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मेरा वीडियो है आज का वो अच्छा लगा होगा, और अपने फीडबैक आप लोग ज़रूर मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। फिर मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।